अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस वीडियो में मैं आपको पानीपत की पहली जंग के बारे में बताऊंगा कि पानीपत की पहली जंग कब हुई, किन दो फरीकैन के दरमियान हुई, आखिर इस जंग की वजूहात क्या थी और फिर इस जंग में कौन जीता और फिर इसके नतीजे क्या निकले। वीडियो की तरफ जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन का निशान दबाइएगा ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस टाइम पे मिलती रहे। पानीपत की पहली जंग 1526 में जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर और इब्राहिम लोदी के दरमियान लड़ी गई। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर मुगलिया ख़ानदान का सबसे पहला हुक्मरान था। इसने बरेसगीर पाको हिंद में मुगलिया सल्तनत की बुनियाद रखी और इब्राहिम लोदी लोदी डायनेस्टी का सबसे आखिरी हाकिम था। जब बाबर ने काबल और कंधार को फतह किया तो इसके बाद बाबर काबल में क्याम पजीर था। इस क्याम के दौरान बाबर ने बरेसगीर पाको हिंद का रुख किया। इब्तदाई तौर पर बाबर ने बरेसगीर पाको हिंद पर यहाँ के जगराफियाई और सियासी हालात से आगाही के लिए 1516 से 1524 तक चंद छोटे हमले किए। इस दौर में बरेसगीर पाको हिंद के शिमाली इलाकों पर इब्राहिम लोदी की हुकूमत थी। इब्राहिम लोदी अपने जाती रवैयों और सियासी ख्वाहिशात के बायस अपने लिए मुश्किलात पैदा कर रहा था। इसके उमरा और अफसरान इसकी सख्त मिजाजी से नाराज थे, बल्कि पंजाब के गवर्नर दौलत खान लोदी ने तो इब्राहिम लोदी से तंग आकर बाबर को हमले की दावत दे दी और इसे अपनी मदद का यकीन दिलाया। बाबर ने दौलत खान लोदी की दावत को कबूल किया और लाहौर पर हमला कर दिया। इब्राहिम लोदी की फौज को शिकस्त देकर बाबर ने 1524 में लाहौर पर कब्जा कर लिया। दौलत खान लोदी का ख्याल था कि बाबर इसे लाहौर की हुकूमत वापस देकर चला जाएगा, मगर बाबर ने लाहौर में अपना एक निगरान गवर्नर मुकर्रर किया और दौलत खान लोदी को सिर्फ जलंधर का इलाका दिया। बाबर के काबल जाने के बाद दौलत खान लोदी ने दोबारा पूरे पंजाब पर कब्जा कर लिया। बाबर को जब इस बात की इत्तला मिली तो इसने अपने मुकर्रर करदा गवर्नर को कार्रवाई करने का हुक्म दिया, मगर इस वक्त पंजाब के तकरीबन तमाम तर हुक्मरान दौलत खान लोदी के साथ मिल चुके थे। इन हालात के पेश नज़र बाबर ने खुद हिंदुस्तान पर हमला करने का फैसला किया। बाबर काबल से हिंदुस्तान के इलाकों की तरफ रवाना हुआ और बगैर किसी मजाहमत के सियालकोट पहुंच गया। दौलत खान लोदी का बाबर के मुकाबले में ठहरना मुश्किल था, लिहाजा उसने फौरन इताअत कबूल कर ली। पंजाब के मगरबी इलाकों को फतह करने के बाद बाबर दिल्ली की जानब बढ़ा। इस दौरान इब्राहिम लोदी एक बड़े लश्कर के साथ पानीपत के मैदान में पहुंचा। यह लड़ाई 1526 में लड़ी गई जिसमें बाबर को फतह हासिल हुई। दिल्ली को फतह करने के बाद बाबर एक फातह की हैसियत से आगरा में दाखिल हुआ और इसके बाद मुतद्दद इलाकों को फतह करता गया और बिलाखिर 1526 में ही मुगलिया सल्तनत की बुनियाद रखी। अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।